प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के मामले की विवेचना अब एटीएस को किया गया सुपुर्द। आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए बुधवार को गोरखपुर से लाया गया एटीएस मुख्यालय लखनऊ। देश के कई जगहों पर एटीएस लगातार कर रही है छापेमारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। बांसगांव थाना क्षेत्र में चार दिन से लापता बच्चे का झाड़ियों में मिला शव। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम को। कहा, घटना के खुलासे के लिए एसपी साउथ के नेतृत्व में बनाई गई हैं तीन टीमें, जल्द होगा घटना का खुलासा। एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महानगर के चौराहों का जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा सौंदर्यकरण। ट्रैफिक के संचालन को बनाया जाएगा सुदृढ़। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। गोरखपुर के सभी पार्कों का जीडीए के द्वारा किया जा रहा है सुंदरीकरण। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, पार्क को साफ और सुंदर बनाने से पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। गोरखपुर में 15 अप्रैल के बाद किसान भूसा बनाने वाली मशीन का कर सकते हैं उपयोग। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। बुधवार को जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने यातायात चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड तिराहे तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, प्रतिदिन एक मजिस्ट्रेट किया गया है नामित जो करेगा इस अतिक्रमण अभियान को लीड। वासंतिक चैत्र नवरात्र के पांचवें दिन बुधवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में माता स्कंद देवी की मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया पूजा अर्चना तथा आरती। तत्पश्चात वितरित किया गया प्रसाद। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण कर शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीडीए के द्वारा रामगढ़ताल में बनाया जाएगा हैंगिंग रेस्टोरेंट तथा रोपवे। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ राजघाट पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 4 किलो नौसादर, 1 किलोग्राम यूरिया व कच्ची शराब बनाने का उपकरण किया बरामद, भेजा जेल। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपियन नरेंद्र सिंह बिष्ट को महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, खेलो इंडिया अभियान से जुड़कर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में तैयार होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी।